इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबको दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं। एंड ये आज मैं यहाँ पर संवत 2023 का मेरा पर्सनल टॉपिक्स जो है उसके बारे में बता रहा हूँ। उससे पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। ये हमारा डिस्क्लेमर है, ये मेरा पर्सनल स्टॉक्स है जो मैं पर्सनल इंटरेस्टेड हूँ बाई करने के लिए इस संवत 2023 के लिए। ये 2023 का है। मैंने पहले 2022 में भी एक वीडियो बनाया था, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। एंड यहाँ पर जो भी मैं आपको कोई बाइंग का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। या आपको कोई बाइंग करनी है तो यू नीड टू कंसल्ट योअर पर्सनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट। यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल रुचि है एंड मैं क्यों इसको करना चाहता हूँ उसके बारे में मैं यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये लास्ट ईयर मैंने ये स्टॉक्स के बारे में बताया था डिटेल में। अगर आपने देखा नहीं है तो पिछला वाला जो मैं यहाँ पर ही लिंक दे देता हूँ, यू कैन एक्चुअली गो एंड लुक एट दिस। ये प्लेलिस्ट भी बना देता हूँ ताकि आपको इसमें मदद मिल सके। आप देखोगे ITC, LIC, IEX, सेंचुरी प्लाइज, BHEL, सोनाटा यहाँ पर बताया था। यहाँ पर तीन स्टॉक में बहुत अच्छा किया है। आप देख सकते हो कि ITC का शेयर जो है बहुत अच्छा मूव किया है, BHEL भी बहुत अच्छा किया है, सोनाटा भी बहुत अच्छा किया है। यहाँ पर बाकी चीज में इतना खास मूवमेंट नहीं आया है, बट यहाँ पर किसी भी स्टॉक में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। अब देखो, 50% ऑफ द स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट डबल भी रिटर्न दे चुका है। आप उसको आप खुद ही देख सकते हो, आपका अंदाजा मिल जाएगा। दीज आर माई पर्सनल पिक्स फॉर 2022। बट यहाँ पर जो भी स्टॉक्स है मेरे हिसाब से अभी भी ठीक है, बट मोमेंटम कुछ चीज में नहीं आया है, शायद आने वाले चीज टाइम पर आ सकता है। तो इस साल के लिए क्या मैं पिक कर रहा हूँ, इस साल के लिए मेरा पहला पिक है MCX। एंड ये MCX क्या है, आपको पता ही होगा, MCX आपका एक्सचेंज है। हमारा जो एक्सचेंज है ये आपका सारा कमोडिटी वगैरह का सारा चीज का एक्सचेंज है। एंड यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जी का भी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है इन दिस पर्टिकुलर MCX में। सारा का सारा चीज आपको पता ही है, ये एक्सचेंज है आपका, कमोडिटी का एक्सचेंज है। इससे ज्यादा आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्टॉक के बारे में एक बता देता हूँ, स्टॉक क्यों चुना है मैंने, किस वजह से, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, MCX का मेजर रीजन मुझे इसको चुनने के लिए है, ये देखिए, ये IPO जो हुआ था 2013 12 के आसपास हुआ था। एंड उसके हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर एक टॉप बना था और यहाँ पर मेजर का चैलेंज था, ऊपर नहीं जा पा रहा था, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन था। एंड यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। आप देखोगे ये 2012 है एंड ये 2023 है, 11 साल का ब्रेकआउट है। एंड अगर इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है तो अच्छा मूवमेंट हमारे हिसाब से टेक्निकली दिखना को मिलना चाहिए। एंड इसके बाद आप देखोगे, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर 20-30 ऑलमोस्ट 40% ऊपर चला गया है, 40% ऊपर चला गया है। बट आने वाले टाइम में और ज्यादा हम उम्मीद करते हैं, कोई भी डिप में यहाँ पर खरीदारी बन सकती है। बट यहाँ पर संवत के हिसाब से, मैं अभी के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि ये हो सकता है कि दिस इज अ पिक फॉर मी। मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म का पिक भी है, ठीक है। तो ये पहला मेरा पिक है। सेकेंड मेरा पिक है विप्रो। विप्रो इंडस्ट्री का भी ये पिक क्यों है, विप्रो आप सबको पता ही है, विप्रो इज इन टू टेक्नोलॉजी एंड उनका ऑलमोस्ट एवरी अदर सेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर उनका ऑलरेडी है। सर्विसेज में दे आर मोर फोकस्ड ऑन। एंड आपको विप्रो वाज अनदर बिग मल्टी बैगर इंफोसिस के टाइम पर, विप्रो के बारे में भी बहुत लोग बात कर रहे थे। आज भी अजीम प्रेम जी का, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट। आप देखोगे इस साल भी हुरन का जो लिस्ट आया है उसमें ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट। उन्होंने बहुत बढ़िया सा क्या बोलते हैं, चैरिटी उन्होंने किया हुआ है। एंड इसका वजह से, क्योंकि इनका कैश रिच कंपनी है, बहुत अच्छा पैसा यहाँ से बन रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजेस तो है, एंड मार्केट में एक साल से कुछ नहीं हुआ है स्टॉक के अंदर। आप देखोगे एक साल में यहाँ पर पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है।
एंड इसके वजह से आई एम एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकआउट इन दिस। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक शायद ये रेंज में रहेगा, बट मुझे यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क कम दिखती है तो इसके वजह से मैं इसको पिक कर रहा हूँ। विप्रो इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड, आपको पता ही है, एंड यहाँ पर मुझे यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क कम दिखती है, एंड अपसाइड पोटेंशियल तो है ही इसमें, एंड करेक्शन तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कुछ आ चुका है, तो उसके हिसाब से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ करेक्शन इन दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस इज वन ऑफ माई पिक फॉर राइट नाउ, ये विप्रो का स्टॉक है। थर्ड मेरा पिक है पेटीएम का, एंड पेटीएम क्यों है, पेटीएम तो आपको पता है रोजमर्रा की जिंदगी में आप सब पेटीएम यूज करते ही हो, पेटीएम हैज बीन यूजिंग, ये इतना बड़ा ऐप है कि ये यूपीआई के दौरान बहुत अच्छा काम किया है। आजकल इन्होंने बहुत सारा चीजें कर दिया है, दे हैव एक्चुअली उनका ई कॉमर्स का भी बहुत सारा चीजें हो रही है, आप देख सकते हो रिचार्ज वगैरह तो आप करते ही हो, उसके साथ साथ बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, इंश्योरेंस का बुकिंग, आजकल उनका खुद का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आ चुका है, बहुत सारा चीजें उन्होंने किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी प्रॉफिटेबल भी हो रहे हैं, लास्ट 2 क्वार्टर में उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी आ गया है, दिस मेक्स इट अ गुड पिक फॉर मी, एंड इसमें बैरन बफेट का भी इन्वेस्टमेंट है, सो दैट मेक्स इट अ वेरी गुड स्टॉक पिक फॉर मी। एंड यहाँ पर पेटीएम का भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो पेटीएम जब आईपीओ हुआ था यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन था, इसके वजह से यहाँ पर 2000 से लेकर ये ऑलमोस्ट 500 तक भी आ गया, ऑलमोस्ट 75% उसका जो वैल्यूएशन है वो पूरा का पूरा उसने एरोड कर लिया था। बट आप देखोगे तो पिछले कुछ महीनों से, लेट अस सी मार्च से आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 साल से ये एक रेंज में है, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, तो दिस लुक्स लाइक अ गुड कंसोलिडेशन, एंड यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट ये रेंज बाउंड भी रहेगा, एंड जब ये ब्रेकआउट होके 1000 रुपये से ज्यादा स्टार्ट करेगा ट्रेड करने के लिए तो हो सकता है कि इट कैन गिव यू अ गुड मूवमेंट, तो यहाँ पर मेरा एक और पिक है पेटीएम का फॉर समवर 2023। और नेक्स्ट मेरा पिक है बीएल, बीएल मेरा पिक क्यू है मैं आपको बताता हूँ, बीएल एक मेजर महारत्ना कंपनी है, ये एक बहुत ही बड़ा कंपनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से, आजकल आप देख रहे हो पीओसी सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है, अब देखो बीएल में बहुत सारा डिफेंस का चीजें होती है, आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो मशीन बनता है ना वो भी बीएल में ही बनता है, एंड बहुत सारा जो भी डिफेंस के दौरान जो भी हम रडार्स को यूज करते हैं, अब देखो यहाँ पर सर्वेलेंस का सिस्टम है, एक वारफेयर के रिलेटेड, तो डिफेंस के सेक्टर में बहुत सारा पैसा आने वाले टाइम में ऑलरेडी कंपनी गवर्नमेंट यहाँ पर स्पेंड कर रही है, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस यहाँ पर जो भी काम हो रहा है ना ये सारा बहुत ही पावरफुल काम है, एंड आप देखोगे ये सारा चीजें हम यूज कर ही रहे हैं, एंड दिस इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टमेंट्स आने वाले समय में भी बढ़ेगा, एंड यहाँ पर बीएल का स्टॉक में भी आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ, ये बहुत ही पुराना कंपनी है, ये ऐसा नहीं है कुछ नया कंपनी है, बहुत ही पुराना कंपनी है, एंड इस कंपनी का आप देखोगे यहाँ पर 4 साल का ब्रेकआउट भी हो चुका है, 2018 से लेकर 2021 ऑलमोस्ट 3-4 साल में यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है और अच्छा वॉल्यूम भी है, तो ओवरऑल हमको यहाँ पर और ऊपर ही दिखती है, हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए, बट जो भी करेक्शन होगा वहां पर दैट इज मोस्टली आइडियल फॉर बाइंग मोर ऑफ द स्टॉक, दिस इज अनदर पिक जो समर 2023 के लिए है मेरे तरफ से। एंड नेक्स्ट मेरा जो पिक है वो है जुबिलियंट फूड वर्क्स, जुबिलियंट फूड वर्क्स ये कंपनी क्या करती है इसके बारे में भी देख लेते हैं, तो ये जो कंपनी है आप सब शायद डोमिनोज पिज्जा या डंकिन्स डोनट्स ये पॉपआइज होम किचन ये सब जानते होंगे, एटलीस्ट डोमिनोज पिज्जा तो आपको पता ही होगा, इन सब ब्रांड का ये फ्रेंचाइजी बनाते हैं, दे आर लाइक अ मास्टर फ्रेंचाइजी, ये सब फ्रेंचाइजी बनाते हैं, एंड यहाँ पर इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, एंड दे आर
एंश्योरिंग दैट ये फ्रेंचाइजी का ओनर की तरफ से, टेक्नोलॉजी की तरफ से, दे आर ट्राइंग टू, देखो यहाँ पर हर एक पिज्जा जो बनता है उससे वो उनको पैसे मिलते हैं, तो ये फ्रेंचाइजी का बिजनेस है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बन सकता है एंड स्केलेबिलिटी बहुत बढ़िया है। पहले तो वो खाली डोमिनोज पिज्जा था, अभी एक्चुअली उन्होंने बाकी सारा चीजें भी अभी स्टार्ट किया है। डोनट्स का सिलसिला इंडिया में इतना खास पॉपुलर अभी भी नहीं है, बट आने वाले समय में हो सकता है। देखिए पिज्जा पहले कोई पता ही नहीं था किसी को पिज्जा के बारे में, आजकल बहुत लोग पिज्जा यूज करते हैं ना, खाते भी है एंड ऑर्डर भी करते हैं, वैसे ही डोनट्स भी यूएस में बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर भी पॉपुलर हो सकता है आने वाले समय में। होंग्स किचन इज मोर टू डू विद चाइनीज रिलेटेड फूड है एंड ये सारा चीजें अभी आने वाले टाइम में दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर इंटरनेशनल बिग ब्रांड्स, वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को यहाँ पर इंडिया में लेकर आ रहे हैं। एंड पॉपाइज इज समथिंग वेरी सिमिलर टू KFC का, तो दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग जहाँ पर आप लोग, हम तो फूडी है, हम तो खाने में करते ही है, जब भी हम खाना खाएंगे ये जो भी ब्रांड्स है वहां पर खाएंगे तो दे आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ दिस। सो जुबिलेंट फूड वर्क्स हैज बीन डूइंग क्वाइट गुड। अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिसेंटली यहाँ पर भी जो जुबिलेंट वर्क्स का यहाँ पर चार्ट दिखा देता हूँ, आप देखोगे तो देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ करेक्शन इस स्टॉक में आया है एंड मुझे यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क कम दिखती है एंड तो ओवरऑल ये जो स्टॉक है इसमें ग्रोथ हमको दिखती है आने वाले समय में। हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, यहाँ पर नीचे जो डाउनसाइड रिस्क है वो बहुत कम है एंड अपसाइड पोटेंशियल अच्छा है, इसीलिए आई एम मोर इंटरेस्टेड इन जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये मेरे पांचवा पिक है एंड लास्ट मेरा एक और पिक है अदानी पोर्ट्स। देखिए अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में आप सबको पता ही होगा, ये हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद ये सारा स्टॉक गिर गए थे, बहुत अच्छा करेक्शन भी दिया था। अभी आउट ऑफ ऑल द स्टॉक्स ये अकेला एक स्टॉक है विच हैज बीन एबल टू रिकवर मोस्ट ऑफ इट्स वैल्यू, जो जितना भी वैल्यू है ना उसमें ऑलमोस्ट सारा वैल्यू इसने फिर से बचा लिया है एंड इट हैज कम बैक टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई। तो अगर कोई स्टॉक इन सब में, अगर अदानी के एंटरप्राइजेस, अदानी का जो भी ग्रुप का स्टॉक्स है ना उसमें से अगर मैं कोई स्टॉक को पिक करना पसंद करूंगा दैट विल बी अदानी पोर्ट्स। इसका वजह क्या है, दे आर द लार्जेस्ट, जो देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होगा ना दैट इज मोर टू डू विद द, अगर वाटरवे से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा दैट विल ऑल बी थ्रू पोर्ट के वजह से ही आना पड़ेगा इनको, तो यहाँ पर दे आर द लार्जेस्ट पोर्ट का जो भी इनका मार्केट लीडर है, दे आर द मार्केट लीडर इन दिस एंड आप देखोगे तो आने वाले टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना सादा जो अहमियत अभी गवर्नमेंट दे रही है तो उसमें से मेजर जो बेनिफिट कंपनी को होगा तो दैट विल बी रिलेटेड टू, अगर वाटरवेज में पोर्ट्स के हिसाब से देखेंगे दिस इज द ओनली कंपनी विच इज गोइंग टू गेट बेनिफिटेड, दिस इज द कंपनी विच हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर, मार्केट लीडर है, पैसा है, सब कुछ है एंड कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी है, अभी भी वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर ही रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड। तो ये मेरा पिक रहेगा एंड अगर आप देखोगे अदानी पोर्ट्स का भी स्टॉक दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये स्टॉक बहुत अच्छा मूवमेंट भी किया है, अभी हो सकता है कि इट विल गेट इनटू कंसोलिडेशन मोड। आप देखोगे बार बार यहाँ पर ही रेजिस्टेंस आ रही है, अगर ये ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा तो हो सकता है कि बहुत अच्छा मूवमेंट दे देगा, बट जब तक नहीं होगा इट मे रादर कंसोलिडेट हियर। आउट ऑफ ऑल द स्टॉक्स जो अदानी का ग्रुप का है उसमें से दिस इज वन स्टॉक विच आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन, जहां पर मैं आने वाले समय में ग्रोथ देख सकता हूँ। तो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन ऑल दिस स्टॉक्स गाइस, मैं फिर से बता रहा हूँ आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो यू नीड टू कंसल्ट यूअर फाइनेंशियल कंसल्टेंट। अगर यहाँ पर आपको इससे कुछ भी यू आर बीन एबल टू इसमें आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी डिस्कशन करना है तो नीचे कमेंट में
आप लिख सकते हो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू अबाउट दिस एंड हैप्पी वेरी मच हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी संवत। कल 6:15 को संवत का ट्रेडिंग है, ऑस्पिशियस माना जाता है एंड यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। बहुत लोग यहाँ पर इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स टू डू दैट एंड आप अगर इस प्रथा को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप इससे आपको मदद मिलती है। तो अगर आपको मिल रही है तो नीचे कमेंट में यस करके लिखिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।